रोबही, आप खुद मस्जिद की एक बौड़ी की बुनियादी सी तालीम के ऊपर एक दीवार गई, वो दीवार बौड़ी भी दीवार मस्जिद की बाजू की तालीम हमारे चांद की कहो, उन चांदों के ऊपर तुम्हें एक नोटिस दिए, केस डाले, आर्डर लाए, डेमालिश करने का आर्डर लाए, चांद आके आपको थोड़ा गुस्से में आया, हमारे बाबा की चोग आप पीछे हटे, ऐसे चीज़ें चलना को नुकसान होगा मस्जिद का, सोचो अगर उनका रहा उनको दे दो कि प्रूफ वहाँ कुछ रहे तो हवा में रख के दे दो, उनका उनका रहा नहीं रहा, देख भाई ये प्रूफ हमारा है मस्जिद का है, अवाम को सुनाते रहो। एक चीज़, मस्जिद के किराए भारी रुको है, तुम्हें वसूल नहीं कर सक रही, वो चीज़ को मजूलत सब पहले वो बात करको है। भाइयों, मेरा नाम धारोर अब्दुल रसूल साहब है, मैं शाही जामिया मस्जिद इलेक्शन के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, ये जो शाही जामिया मस्जिद का इलेक्शन के खातिर पहले के जो लोग हैं, वकील नज़ीर अहमद साहब, दादा डॉक्टर दादा मियाँ, हाजी इस्माइल साहब, सुनाका खादर वली साहब, धारवाड़ राजामा साहब, 1930-04 में बल्लारी सब कोर्ट में ये केस फाइल करे, ये केस चलता चलता 20 साल के बाद कामयाबी हुई। हम मस्जिद को एक भारी एक बैलास तैयार हुआ, कानून तैयार हुआ, तैयार होते जो वकील नज़ीर अहमद साहब मस्जिद के सामने दो कॉम्प्लेक्स तैयार हुए, ये जो इलेक्शन होते ही दो कॉम्प्लेक्स तैयार हुए, और आज को ये बैलास तैयार हो को 90 साल होता, आज को ये बैलास तैयार हो को 90 साल होता। वो बैलास में ऐसे ऐसे कानून है, इमाम को कितना देना, मौजन को कितना देना, फराश को कितना देना, हर चीज़ की नुकसान नहीं सका। रोज़ाना मुतलिया साहब जितने भी इलेक्शन के बाद कामयाबी होते वो लोग 10 दिन तक रोज़ाना मिनट बुक रखना, एक को एक राय मशवरा करना, किराए बराबर वसूलना, मस्जिद का कुछ नुकसान नहीं होना, मस्जिद की हिफाजत होना, ये कानून में है। और 5 साल के बाद कैसा इलेक्शन चलाना ये इसमें है। मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पहले के दिन में मच्छा वाले सत्ता साहब के एम अब्दुल सत्तार साहब को भी पूछे, भाई आप बैतुल माल का हिसाब बताओ। हाजी जमील साहब को पूछे, भाई ये जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें वायरिंग का हिसाब बताओ। हर मुतल यही बोले, भाई अल्लाह का फजल सब अच्छी तरह सही है, अल्लाह को भरोसा रखो। इसके बाद गुटूर इसाक साहब को पूछे, भाई आप ईटा और बालू का कंट्रैक्ट लिए वो हिसाब बताओ। भाई वो सब बराबर है, अल्लाह का फजल, कुछ नहीं, अल्लाह को भरोसा रखो। उसके बाद कर्नल रहमतुल्ला साहब को पूछे, भाई आप मुतली है जो हाउस बनाए पानी का, जो वजुआ के ये बनाए कट्टे बनाए उसका हिसाब बताओ। भाई अल्लाह का फजल सब सही है, अल्लाह को भरोसा रखो। शुक्र भाई घट्टू शुक्र भाई को पूछे, भाई जो तुम्हें बनी कंटिन्यू इतने साल से जीतते आ रही, आप ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें है सो पॉलिटिक्स में फिरते रहती, मस्जिद का भी ये भी फिरते रहती, कुछ नुकसान हो रहा है क्या कर, नहीं कुछ भी नहीं, म्यूनिसिपल टैक्स को मैं कम कराने के खातिर, माफ़ कराने के खातिर कोशिश बहुत कर रहा हूँ। गुड़िया भी रहन दे, मस्जिद भी रहन दे, दरगाह हो या मंदिर हो मस्जिद हो, उनको टैक्स नहीं सरकार कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये वास्ते ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी फिर मई कहे। उसके बाद इसे पूछे BBS बशीर भाई को पूछे, भाई आप भी मुतली बने, आप क्या क्या करे मस्जिद का, क्या क्या अच्छा काम करे। भाई मैं बनी जब से मस्जिद एक टाइम भी बौड़ी पैकेजिंग नहीं हुई, वो बौड़ी में पूरी पैकेजिंग कराया, साफ़ सुथरा कराया, उन्हें ये बयान दिए। हमें रो भाई को भी पूछ रही, ज़ुबैर साहब को भी पूछ रही, भाई ये कैसा हिसाब कैसा कैसा करे, ये पीछे जो मरियां बने उनके पास एडवांस हैं जो भी मंगली कर, अल्लाह का फजल सब भी सीधा है,
भरोसा अल्लाह पर हो गए। रो भाई को भी पूछ रहे हमें क्या भाई कैसा ये मस्जिद का, तो उन्होंने बोला अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा वो भी सीधा है। अगर तो भी इलेक्शन कहीं को नहीं चला रहे, एक जुबैर साहब रुका है, एक बशीर गुजरी रौब साहब बुलाए, ये नहीं बोल रहे कि हमें, मैं धारवा रसूल साहब मेरा भी बड़ा बिजनेस है, मेरे भी दुकाना बहुत है, मेरे बेटे दा के 5 दुकान है, मेरे 2 है, हमारे रौब भाई एक ही दुकान है, कहे मैं कितने गुडविल में चला रहा हूँ, उन्होंने 10,000 ले को जारी करी, मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, मगर ये नहीं बोल रहा कि मैं भी व्यापारी। जुबैर साहब भी बड़े पैसे वाले, मच्छा का व्यापार वाले, दौलत वाले, पैसे वाले, हमारे रौब भाई भी बड़े पैसे वाले, बहुत दौलत वाले, बहुत बड़े कचरे के व्यापारी, बहुत अच्छे आदमी, मगर ये चीज़ इलेक्शन को क्यों रुका रहे, हमारा बार बार इलेक्शन कहीं को, वो टेम के अदमिया के संगत, वो मुतलिया के संगत में था, मैं फिरूँ हर वोटर को फिरूँ, मगर एक चीज़ रौब साहब हमारे मेरे ऊपर एक बात बोल दी है सडनली, यानी कि नाम नहीं लिए सरकार, अरे गैरा चोरा को मैं नहीं देता बोले, ये चीज़ हमारे को ये बोलना पड़ रहा, ये चीज़ हमें बार बार बोल रहे भाई मस्जिद का नुकसान ना है। रौब भाई बोल रहे हैं कि भाई मैं स्टेल आया हूँ, वो बोर्ड वाले आपको हैंडओवर लेती मस्जिद बोल को बोले, हैंडओवर लेने का रहा तो आज भी वकील नजर साहब के बेटे हाजी वकील साहब है, उनके पोतरे शाहनवाज़ है, आज भी मजूल हक साहब है वकील साहब, उनके बेटे तबरेज है, आज भी मंसूर भाई है, उनके बेटे परवेज है, ये वकीला उनके ख़ानदानी से है कि मस्जिद का आर्डर लाइस वाले भी बैलस का कोर्ट को फ्रेश वाले भी, और वो हैंडओवर कर लेते हैं, उन्होंने खामोश नहीं रहते, कैसा खामोश रहेंगे, खानदानी वकील तीन तीन सिरा से है उन्होंने, ये न को समझे कि मस्जिद वोट ले कर जाएंगे, तो वो नहीं होता, वैसा नहीं भी होगा। एक चीज़ खास करके बोलता हूँ मैं, रौब भाई को शुक्रिया होता कि इलेक्शन नहीं चलाने की वजह से आगे कोई भी आया भाई, उन्होंने 10 साल 2 पीरियड नहीं चलाए, हमारे को क्यों बोल रही जब उनको बोलना था, कहती ये इतनी मेहनत से जो जबकि आदमिया जो मुतलिया 90 साल पीछे बनाए सो बैलास को, उनका शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में उनके नामा सुनहरी हरफा में लिखे गए रहती, वैसी चीज़ को वैसा सोचे सो वाले को वो चीज़ आप रुकावट कहीं को करते, इलेक्शन चलाओ मेहरबानी होती, इलेक्शन भी चलो आप भी अल्लाह ताला और भी आगे बढ़ेंगे थे तुम, इलेक्शन चला के मस्जिद में और भी रहो तुम्हें, ये मस्जिद को देखो पहले से 90 साल से पैसे वाले छोटा आदमी नहीं चलाता, ये मस्जिद को हर चीज़ का निगरानी करना पड़ता, हर चीज़ की हिफाजत करना पड़ता, हर चीज़ की देखभाल करना पड़ता, इस वास्ते एक चीज़ मजूल अक साहब रोज़ाना हर महीना हर ये 5 मुतलिया एक काम कर देते, वो काम सिर्फ मजूल हक साहब वकील मजूल हक साहब एक किच करे क्या, एक इनको शमशुद्दीन बोल को एक नाम सुने होंगे, उन्होंने खुद रखे सो नौकर को शमशुद्दीन साहब को, भाई जो भी बाकी रहती वो आदमिया को बुला भेजो, उनको बुला भेज के बोले रोज़ाना पुरानी बाकी में 10 रुपया भरना, ये भनते हुए आपको भी तकलीफ़ नहीं, इधर मस्जिद का भी उसूल होता, जो जो पुराने किराए बाकी रहते उनको 10-10 रुपये वसूल करें, आज के माहौल में किराया ज़्यादा रहे आपको 100-100 रुपये वसूल कर लो, 50-50 वसूल कर लो, यानी कि आपको भी तकलीफ़ नहीं होना, आवाम को भी तकलीफ नहीं होना, और जो जो आदमियाँ किराएदार हैं उनको भी ये रहना, ये नहीं बोलते कि भाई आपको भाई इन खाए पैसे भाई उन्होंने ये करे, ऐसा हर मुतल्ली को पूछी आवाम, उन्हें एक ही बात बोले, तुम भी वही बात बोले, भाई मैं कुछ भी कहना अल्लाह ताला मेरे को बहुत दिया है, अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह देख लिया था, 90 साल से हर मुतल्ली यही बोल लेती आया, बैलास को जो तैयार हुआ कानून उसके ऊपर ही चला, वो उस लिहाज से चलो, उसमें किराया देना कितना बढ़ाना कितना परसेंट करना हर चीज़ उसमें है,
एक चीज़ खास करके वो पूरी शाही जामिया मस्जिद के शापा 200 है, पूरे 200 है। एक चीज़ उसमें मस्जिद के अंदर एक रूम है, वो भी मेरे अल्लाह के मस्जिद की चीज़, वो रूम मेरे हाथ में चावियाँ थे। जिस वक्त मुझे खुद बोल रहे थे कि भी 1000 भन को 10000 लगेरी करें ना, वो रूम भी आप आपको रिक्वेस्ट करें मुझे 2015 में। रसूल साहब आपके बाबा खिदमत करें दिल वाले, आप भी दिल वाले। यहाँ पर 5 आदमी को बहुत तकलीफ़ हो रही, वो आप वो रूम दिए तो हम ऑफिस बना लेते। मैं तुम ना 2 महीने में तुम्हें पूछे तुम्हें दूसरे दिन ही तो आपके हाथ को दे दिया, तुम्हारे हाथ को दे दिया। मैं भाई अल्लाह का जिक्र हो रहा हूँ, अल्लाह का हिसाबा हो रही, अल्लाह के मस्जिद के कानून के बातें हो रही, उसी चीज़ को वो बोर्ड वाले आते जाते रहती, हर आदमी आते जाते रहता, किराए भरने वाले आते रहती। उस वास्ते मैं तुम्हें पूछते पहले ले साहब कहा एक चीज़ मेरे को दिल को बहुत नाम बगैर लिए के ऐसे आयरे गैरा को मैं नहीं देता, चोरों को नहीं देता, मेरा नाम लिए बगैर मेरे को बोले दिए, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।